ऐसा माना जा रहा था कि आज के दिन 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु गंगा में स्नान करेंगे और यहाँ की पब्लिक देख ऐसा लग रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लगभग 304 करोड़ पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। सोचिए जब माघ मेले की ये स्थिति है जो कि हर साल लगता है तो कुंभ की क्या स्थिति होगी। ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला, इससे बड़ा मेला पृथ्वी पर कहीं नहीं लगता है। एक्स्ट्रा होशियार लोग जो हैं, ये भाई साहब जो लोग जो यहाँ पे फंसे पड़े हैं, इसलिए फंसे पड़े हैं क्योंकि ये बड़ा सा जो पार्क है इनको लगा कि पार्क के अंदर से एंट्री लेके इधर से निकल जाएंगे, इधर बीचों बीच इनका रास्ता थोड़ा कम पड़ जाएगा क्योंकि बाउंड्री इधर की टूटी है, लेकिन इधर दुकानों और पुलिस वालों की मदद से इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और ये लोग पिछले आधे घंटे से यहीं पर है। इसलिए कहते हैं हर जगह मैनेजमेंट को फॉलो करो, जैसा कि पुलिस ने यहाँ का प्रशासन ने नियम कानून बनाया है उसके तहत चलेंगे तो आपका समय बचेगा, मेले को आप अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन ये लोग देखिए आधे घंटे बाद ये लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, कोई जुगाड़ लगाने में लगा है, वहाँ पर देखिए उसके दुकान के नीचे जुगाड़ लगाने में लगा हुआ है लेकिन कोई निकाल नहीं पा रहा। और आप लोगों ने फिल्में में सुना होगा कि दो भाई थे कहाँ बिछड़ गए, कुंभ मेले में, तो वही कुंभ है जो लगता है प्रयागराज में। यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ इंसान इंसान आपको दिखेंगे। एक सैल्यूट तो बनता है पुलिस वालों को, यहाँ जिस तरीके से पब्लिक को मैनेज किया पुलिस वालों ने पूछो मत, 12-12 घंटे 10-10 घंटे खड़े होकर इस तरीके से पब्लिक को मैनेज करना कोई आम बात नहीं है। देख रहे हैं लगातार सीटी बजा रहे हैं हमारे और आपके लिए ताकि पब्लिक को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। कुछ जाना है हाँ। वो बगल से जा रहे हैं, जितने जो इसको जाना जा रहे हैं, हम लोग मना भी नहीं। नहीं मैं समझ रहा हूँ, देखिए मेला आपका है हमारा है हम सबका, इस मेले में आए अच्छे से यार इंजॉय करें, मेले को बिल्कुल बेकार करने की कोशिश ना करें। अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे लोग बदतमीजी करते हैं यार, ये लोग तो अपना यहाँ पे इसमें रहने वाले लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें यार। हम लोग इसलिए यहाँ पर आते हैं कि मुझे लगता है कि यार हमारा शहर है, हमारा देश है, आने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो, जितना हो सके हम लोग उनकी मदद करें। लेकिन मदद के बदले अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो प्रशासन को मजबूर होकर वो करना पड़ेगा जो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा और उनको भी नहीं पसंद आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, मर्यादा में रहें। यह है पांटून का ब्रिज या फिर पीपे का ब्रिज, देख रहे हैं कैसे पीपी की सहायता से ये पुल बना हुआ है और ऐसे कई सारे यहाँ पे पुल बनाए जाते हैं। जो 2 करोड़ का अंदाजा लगाया गया था ये पार हो चुका है 5 करोड़ के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर और आज की वीडियो में मैं आपको घुमाने वाला हूँ माघ मेले का मौनी अमावस्या कैसा होता है, दिखाते हैं कितनी भीड़ होती है और क्या कुछ यहाँ पर खास है। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए, इतनी सारी बसेस लगी हैं और ये परेड ग्राउंड का एरिया है, यहाँ से आगे की तरफ एंट्री नहीं है। अगर आप व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको यहीं पर अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करनी होगी, लेकिन अगर आपके पास पास है तो आप अपनी स्कूटी बाइक ये सारी चीज़ें लेकर अंदर जा सकते हैं। दोनों तरफ देखेंगे आप लाइन से बसें लगी हुई हैं और ये सारी बसें बहुत दूर दूर से आई है, साउथ के लोग आए हैं, केरला से लोग आए हैं और ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। देख रहे हैं बसें और ट्रक में ये लोग भर भर के आए हैं क्योंकि यहाँ के रहने वालों को शायद इसका इतना महत्व ना पता हो, लेकिन दूर दूर से जो लोग आते हैं उनको इसका बहुत अच्छी तरीके से महत्व पता है। जहाँ तक हम अंदर की तरफ चले जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए हर जगह बसें ही बसें हैं, इतनी सारी बसें यहाँ पर लगी हुई है कि आपको किसी भी डिपो पर इतनी सारी बसें देखने को नहीं मिलेंगी। देख रहे हैं कितनी सारी बसें यहाँ पर लगी हुई हैं, देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक बस ही बस आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये परेड ग्राउंड के बाहर का एरिया अभी चल रहा है और भीड़ देख रहे हैं कितनी, आपको अंदर चल के दिखाऊंगा कितने लोग यहाँ पर आते हैं मेले के लिए। आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो आप भूले भटके शिविर करने आए, यहाँ पर गिरजा प्रसाद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे तो मेले के दौरान बाइक स्कूटी कार वगैरह सारी आपको पीछे ही पार करनी पड़ेगी परेड ग्राउंड में ही, लेकिन फिर भी अगर आप किसी तरीके से अंदर आ गए हैं तो ये लास्ट स्टॉप है जहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। ये है ऑर्डिनेंस डिपोर्ट प्रयागराज का, आप सामने गेट देख पा रहे हैं और ये जो चौक है ना इसके इधर जब आप जाएंगे तो इधर की तरफ आपको जाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ पैदल। तो चलिए पैदल चलते हैं और दिखाते हैं भीड़। आम दिनों में तो आपने देखा होगा कि मैं आपको अंदर तक स्कूटी लेके गया हुआ था अंदर गंगा किनारे तक, लेकिन अभी देखो कम से कम 2 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। भीड़ देख रहे हैं, प्रयागराज के रहने वाले लोग बहुत कम यहाँ पर आते हैं लेकिन उससे ज़्यादा बाहर के लोग कितने आते हैं आप इससे अंदाजा लगा लो इसका कितना महत्व है। और ये मात्र कुंभ है, जिस दिन महाकुंभ लगेगा 2025 में क्या हाल होगा। परेड ग्राउंड उधर क्या क्या लगा है आप लोगों को पता ही है, जो राम मंदिर बना हुआ है, एक मिसाइल जैसा सेंटर बना हुआ है, शॉपिंग सेंटर वगैरह है, झूला वगैरह, वो सारी चीजें आपने देखा ही होगा।
अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस माघ मेले की पूरी वीडियो आपको मिलेगी इस चैनल पर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं जो यहाँ पे स्पेशल है, उसको आप जाकर अपने चैनल पर देख पाएंगे। ऑलरेडी वीडियो पब्लिश है। ऐसा माना जा रहा था कि आज के दिन 2 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु गंगा में स्नान करेंगे, और यहाँ की पब्लिक देख ऐसा लग रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 3 से 4 करोड़ पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। और इसका महत्व क्या है मौनी अमावस्या का, क्यों मौनी अमावस्या मनाई जाती है, क्या कुछ है, सारी डिटेल ऑलरेडी चैनल पर पब्लिश है। बाबा बाल ब्रह्मचारी ने सब कुछ बताया हुआ है, तो जाकर चैनल पर आप वो भी देख सकते हैं। इतने लोग यहाँ पर पैदल आते हैं, आप सोचो ये आस्था नहीं तो और क्या है। इतना पैदल चलते हैं, पूरे दिन का अपना नुकसान करते हैं, ये सब सिर्फ इसलिए कि माँ गंगा से ये अच्छे होने की मनोकामना करते हैं, अपने परिवार को सुखद रहे, घर में कोई समस्या ना आए, ये सारी चीज़ ऐसा मानना है कि यहाँ पर आने से ये सारी चीज़ों की आपकी पूर्ति होती है। और इधर चंद्रन मार्केट में आपका स्वागत है। इधर वाला मेला आप लोगों ने देखा ही है, नहीं देखा है तो चैनल पर पब्लिश है वीडियो, जाकर देख पाएंगे। खाने पीने के लिए इधर चटोरे लोगों के लिए लगी है, चाट फुल्की बर्गर चाउमीन पिज्जा जैसी दुकान है, तो आप इसका भी लाभ उठा लें। देख रहे हैं अनाउंसमेंट लगातार इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं, कुछ लोगों के साथ ही भटक जाते हैं, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट करवा के आप जो है उनको मिल सकते हैं। घरेलू सामान यहाँ पर आपको बहुत रिजनेबल प्राइस मिल जाएंगे, और ऐसे कई सारे यहाँ पर दुकानें हैं। कितनी छोटी बच्ची रस्सी पे चल रही है। ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला, इससे बड़ा मेला पृथ्वी पर कहीं नहीं लगता है। और आप लोगों ने फिल्में में सुना होगा कि दो भाई थे, कहाँ बिछड़ गए, कुंभ मेले में, तो वही कुंभ है जो लगता है प्रयागराज में। और इस धरती पर सिर्फ एकलौता प्रयागराज है जहाँ पर पूरी दुनिया आके सर झुकाती है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऐसे जगह जगह नल लगाए गए हैं, और ऐसे जो आप देख पा रहे हैं रिमोट वॉशरूम, ऐसे 21,000 वॉशरूम बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप पुलिस में उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए इस मेले की भीड़, उधर वो झूले वाला सेक्शन है खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए, इधर खाने वाले सेक्शन जो आगे की तरफ है, और ये है अपनी मेन रोड जिधर से आप जाते हैं गंगा स्नान करने घाट की तरफ। सोचिए जब माघ मेले की ये स्थिति है जो कि हर साल लगता है, तो कुंभ की क्या स्थिति होगी, और महाकुंभ की क्या स्थिति होगी। महाकुंभ जो लगता है 12 साल में, अर्धकुंभ लगता है 6 साल में। मेले में जाने के लिए एक रास्ता इधर भी जाता है, इधर भी जा सकते हैं, और एक रास्ता इधर को है तो इधर भी जा सकते हैं। इधर वाला जो रास्ता है वो शॉर्टकट है, फिलहाल इधर से एग्जिट दे रहे हैं, इधर से एंट्री दे रहे हैं, लेकिन घुसने वाले इधर भी घुस जाते हैं कहीं ना कहीं से। वो लगाया सामने की तरफ पूरे प्रयागराज का सबसे बड़ा वाला झूला, और हम चलेंगे इधर की तरफ से। पैदल चलने वाली पब्लिक कई बार कंफ्यूज हो जाती है कि किधर से आना है, किधर से जाना है, जबकि सुरक्षा में यहाँ पर कई सारे जवान तैनात किए गए हैं, और यहाँ पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। खाने पीने के लिए भी यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं, रहने के लिए फ्री शिविर है, और बहुत कुछ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आप देख सकते हैं, उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है। मेले की भीड़ को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए ये भी एक एग्जिट पॉइंट बना हुआ है, इधर से लोग जाएंगे। एंट्री के लिए आपको जाना पड़ेगा उधर से। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए है कि मेले को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। देखिए वो है एग्जिट पॉइंट, और इधर तरह जब आप आएंगे तो इधर भी बनाया गया है एक एग्जिट पॉइंट। एंट्री के लिए आपको उधर जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होशियार लोग जो हैं, ये भाई साहब जो लोग जो यहाँ पे फंसे पड़े हैं, इसलिए फंसे पड़े हैं क्योंकि ये बड़ा सा जो पार्क है, इनको लगा कि पार्क के अंदर से एंट्री लेके इधर से निकल जाएंगे, इधर बीचों बीच इनका रास्ता थोड़ा कम पड़ जाएगा क्योंकि बाउंड्री इधर की टूटी है, लेकिन इधर दुकानों और पुलिस वालों की मदद से इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, और ये लोग पिछले आधे घंटे से यहीं पर है। इसलिए कहते हैं हर जगह मैनेजमेंट को फॉलो करो, जैसा कि पुलिस ने यहाँ का प्रशासन ने नियम कानून बनाया है उसके तहत चलेंगे तो आपका समय बचेगा, मेले को आप अच्छी तरह से इंजॉय कर पाएंगे। लेकिन ये लोग देखिए आधे घंटे बाद ये लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, कोई जुगाड़ लगाने में लगा है वहाँ पर, देखिए उसके दुकान के नीचे जुगाड़ लगाने में लगा हुआ है, लेकिन कोई निकाल नहीं पा रहा है। देखिए फाइनली यहाँ से सबको हटा दिया गया पुलिस की मदद से, और अब सारे लोग इधर से जाएंगे नीचे झुक के, इधर से जाते हुए। इतना मेहनत करना ही क्यों, जब आपके लिए एक रास्ता दिया गया है तो इधर से आना क्यों है। देखिए जिसको जाना है वो बगल से जा रहे हैं, जितने जो इसको जाना जा रहे हैं, हम लोग मना भी नहीं। नहीं मैं समझ रहा हूँ, देखिए मेला आपका है, हमारा है, हम सबका। इस मेले में आए अच्छे से यार, इंजॉय करें मेले को बिल्कुल बेकार करने की कोशिश ना करें। अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे लोग बदतमीजी करते हैं यार, ये लोग तो अपना यहाँ पे इसमें रहने वाले लोग हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें यार। हम लोग इसलिए यहाँ पर आते हैं कि मुझे लगता है कि यार हमारा शहर है, हमारा देश है, आने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो, जितना हो सके हम लोग उनकी मदद करें। लेकिन मदद के बदले अगर आप लोग ऐसा करेंगे
तो प्रशासन को मजबूर होके वो करना पड़ेगा जो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा और उनको भी नहीं पसंद आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, मर्यादा में रहें। देखो कैसे कैसे लोग बाउंड्री को कूद कूद के यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि ये वाला जो गेट है ना ये जाने के लिए है, उसके बावजूद देखो पता नहीं क्यों यार लोग ऐसा करते हैं। बिल्कुल ही मत करो आप लोग। यहाँ पर देखो दुकानें लगी हुई हैं, खूबसूरत खूबसूरत सा सामान आप अपने घर वालों के लिए ले सकते हैं। यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ इंसान इंसान आपको दिखेंगे। जो 2 करोड़ का अंदाज़ा लगाया गया था ये पार हो चुका है 5 करोड़ के ऊपर। इतनी पब्लिक यहाँ पर आई है, इतनी पब्लिक आई है कि पूछिए मत। अच्छा भी है और मेला बहुत ही वेल मैनेज्ड है। बस थोड़ा सा कुछ लोग हैं जो चीज़ों को ख़राब करने में लग जाते हैं पब्लिक आने वाली, लेकिन फिर भी यहाँ पर तैनात पुलिस बल की मदद से हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जब मेला इस चरम पर होता है ना तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क में प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो आप लोगों के साथ अगर कोई आया हुआ है और कोई भटक गया है तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, फ़ोन नहीं लग रहा है तो यहाँ पर खोया पाया विभाग है, वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर आप अनाउंसमेंट करवा सकते हैं कहाँ पर खोया पाया विभाग है। अगर आपको जाना है, अगर आपको जानना है तो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश है चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। पब्लिक को मैनेज करने के लिए यहाँ भी सुरक्षा बल तैनात है और एक मोटा सा रस्सा बांधा गया है, लेकिन फिर भी पब्लिक मानने वाली कहाँ है। मैं आप सबसे एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि मेले में अगर आए हैं तो मेले में जैसा यहाँ का नियम बनाया गया है उस नियम को फॉलो करें। जो रूट आपको डिसाइड किया गया उसी रूट से आएँ और जिस रूट को डिसाइड किया गया जाने के लिए उसी रूट से जाएँ। और गंगा स्नान के बाद जिस मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ही ना भूलें। ये मंदिर चारों धाम के दर्शन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मंदिर का नाम है श्री आदिशंकर विमान मंडपम। इसमें चारों देवी देवता हैं, यहाँ पे बालाजी हैं, काशी कामाक्षी देवी हैं, शिव जी का सहस्त्र ज्योतिर्लिंग है, कई सारी चीज़ें हैं। उसका भी वीडियो चैनल पर प्रकाशित है तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। ये लाइन लगी है भंडारे के लिए। पूरे मेले में जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, तो जब मेला आ रहे हैं तो भंडारे का प्रसाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ठहरने के लिए भी यहाँ पर मुफ्त सुविधाएँ की गई हैं। अगर आप लोग को वो वीडियो देखना है तो वो वीडियो चैनल पर प्रकाशित है, आप उसको भी देख सकते हैं। भीड़ देख रहे हैं, बेइंतहा भीड़, इतनी भीड़। मौनी अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन मौन होकर स्नान करने से इतने पुण्य की प्राप्ति होती है जितना आप पूरे महीने माघ नहाते हैं। जैसे जैसे मेले में प्रवेश कर रहे हैं वैसे वैसे भीड़ देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है। पूरे मेले में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पूछिए मत। और पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए कहता हूँ धन्य हो आप अगर प्रयागराज में आपका जन्म हुआ है। एक सैल्यूट तो बनता है पुलिस वालों को। यहाँ जिस तरीके से पब्लिक को मैनेज किया पुलिस वालों ने, पूछो मत। 12-12 घंटे 10-10 घंटे खड़े होकर इस तरीके से पब्लिक को मैनेज करना कोई आम बात नहीं है। देख रहे हैं लगातार सीटी बजा रहे हैं हमारे और आपके लिए ताकि पब्लिक को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। आप लोगों के कमेंट आते हैं कि नागा साधुओं को कवर करो, किसी शिविर में जाओ, वो सारी माँ की मांग पूरी होने वाली है। और थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि अभी जो समय है कुछ ये चीज़ें कवर करने का समय है। इसके बाद आप लोगों की डिमांड जरूर पूरी करेंगे। मेला लगेगा पूरा 1 महीने, 8 मार्च तक का मेला है, तो थोड़ा इंतजार करिए, आप सबकी डिमांड पूरी करने वाला हूँ मैं। एक तो चीज़ का आपको ध्यान रखें, यहाँ पर अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मोबाइल, पर्स, बैग वगैरह है तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इस मेले का कार्यालय इधर है, त्रिवेणी बांध प्रयागराज, और इसके ठीक सामने लगा हुआ है रिजर्व पुलिस लाइंस कमिश्नरेट प्रयागराज। अच्छी बात यह है कि इस मेले को दूर से देखकर जितनी भीड़ लगती है, जैसे जैसे आप मेले की तरफ अंदर घुसते जाएंगे वैसे वैसे ऐसा आपको महसूस होगा कि वैसे वैसे अंदर जगह बनती जा रही है। मतलब जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर काफ़ी एरिया में ऐसा लग रहा है कि जगह है, बाकी दूर से वो आप देखेंगे इतनी पब्लिक है कि पूछो मत। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे खुले में रातें गुजारते हैं और उसके बाद सुबह स्नान करके जाते हैं। मौनी अमावस्या का इतना बड़ा महत्व है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पर कैसे शिविर लगे हुए हैं, रैन बसेरा बने हुए हैं जो फ्री में आपके रहने की व्यवस्था कराते हैं, कहाँ पर है, कैसे उनको कांटेक्ट करना है, क्या कुछ लगता है आईडी प्रूफ वगैरह। अगर आप लोगों को ऐसी जानकारी चाहिए तो ऐसा वीडियो ऑलरेडी चैनल पर प्रकाशित है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं अगर आप ट्रेन से यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा होगा और किधर से आपको आना है। तो सामने जो देख पा रहे हैं पुल, वो झूसी का पुल है और उसके बदल रेलवे का पुल है, और वहीं पर आपको मिलेगा प्रयाग घाट संगम रेलवे स्टेशन। यहाँ तक आने वाली कई सारी गाड़ियाँ हैं, वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस है ये जो लगा हुआ है यहाँ पर ऐसे ऐसे आप पैदल आ सकते हैं और इधर की तरफ प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ पर एक चौक बना दिया गया है, एक रास्ता उधर तरफ जाता है। जो अगर आप झूसी जाना चाहते हैं तो इधर से जो पीपे का ब्रिज है, पीपे का पुल, उससे भी जा सकते हैं।
इधर भी आप अगर जाना चाहें इधर भी जा सकते हैं, और ये है एग्जिट पॉइंट, अगर आप एग्जिट यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। मेले को और अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यहाँ पर कई पुल बनाए गए हैं, जैसे यहाँ पर बोर्ड लगा है पुल नंबर 2, ऐसे कई सारे पुल बनाए गए हैं जो पीपे के पुल हैं, ये बेसिकली उनका इंडिकेशन है। अगर आप कोई रास्ता भूल जाते हैं तो ये भी एक निशानी हो सकती है, आप अपने परिजन को बता दें कि मैं इस पुल नंबर पर हूँ तो वो आके आपसे मिल सकते हैं। आप चाहें तो पुलिस की मदद भी ले सकते हैं, यहाँ पे खोया पाया विभाग भी है, वहाँ से अनाउंसमेंट करवा सकते हैं, तो कई सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत होकर माँ गंगा स्नान करें और मेले का आनंद लें। बच्चों के लिए ऐसे रंग बिरंगे कई सारे खिलौने आपको मिलेंगे, ये भी आप खरीद सकते हैं। ये है पांटून का ब्रिज या फिर पीपे का ब्रिज, देख रहे हैं कैसे पीपे की सहायता से ये पुल बना हुआ है, और ऐसे कई सारे यहाँ पे पुल बनाए जाते हैं। आवश्यक बात ये है, जो जानकारी आपको चाहिए वो ये कि एक पुल को वन वे बनाया जाता है, इधर से आपको आना है एक तरफ जाना है, ये जाने वाला ब्रिज है एग्जिट, और एंट्री के लिए उधर से पुल बना हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ, वो उधर से एंट्री लेना है, इधर से आपको आना है, ऐसे कई सारे पुल बनाए गए हैं। ये वो घाट जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, और बहुत ही दिव्य स्नान है, देख रहे हैं कितने लोग स्नान कर रहे हैं। ये मैं आपको एक घाट दिखा रहा हूँ, इधर ऐसे की तरह जब आप जाएंगे ये पुल क्रॉस होते हुए, ऐसे कई सारे घाट बनाए गए हैं जिधर हजारों लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। ये तो इस पार का नज़ारा है, उस पार भी घाट ऐसे बनाए गए हैं झूंसी की तरफ भी, वहाँ पर भी लोग लाखों करोड़ों की संख्या में स्नान करते हैं। और जो वाइट वाइट सा बीच में आप देख पा रहे हैं वो कौन से पक्षी हैं आपको पता होना चाहिए, ये है साइबेरियन पक्षी, जो सिर्फ और सिर्फ माघ मेले के दौरान यहाँ पर आते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। इसके पीछे की कहानी अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ पब्लिक और पब्लिक ही दिखेगी, इतनी सारी पब्लिक है। आप लोगों को क्या लगता है कितनी पब्लिक आई होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि इस वीडियो को मुझे पार्ट वाइज डिवाइड करना चाहिए 2 पार्ट में, अगर 1 पार्ट में इस वीडियो को बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस पार्ट को हम ये एंड करते हैं, अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा।